हाँ जी, आप अपने आज टॉपिक स्टार्ट कराएंगे, वो टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस जिमें कि अपन बताइए, अभी पहला इनिशियली गल शुरू करते हैं जितों साइंस इन्नी डिवेलप नहीं सी हुई। पहला इनिशियली एसिड्स से जोड़े वो एज ए कंपाउंड्स जोड़े एज ए सबसटांस मने जाते थे जिन्हों का खट्टा टेस्ट हों सोर होंगे सके टेस्ट के, जिमें फॉर एग्जाम्पल अपन पता नींबू हो गया, संतरा वगैरह हो गया, इन्हों सिट्रिक एसिड पाया जाता, तो सिट्रस फ्रूट्स हो गए जिमें, तो उतों याद रख सकते हैं खट्टा टेस्ट हों, ब्लू लिटमस में रेड कर देंगे सके। तो जड़िया चीज़ा वाटर के इनसोलबल होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैटल्स ने जिड़िया पानी के नहीं घुल दियाँ, तो इन्होंने चीज़ों ने मैटल्स ने ईजीली घोल लेंगे अपने इदा के, तो कई मैटल्स ना रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस करते हैं, इदा के जोड़े सबसटांस है सारे उन्होंने आप एसिड्स कहने, मतलब एसिड्स कहने से पुराने टाइम के। उस तो बाद बेसिस, बेसिस जोड़े जिन्हों का बिटर टेस्ट कौड़ा टेस्ट होंगे, उस तो बाद टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस में ब्लू चेंज कर देते हैं, तो एसिड्स न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब एसिड का इफेक्ट है जोड़ा उन्होंने खत्म कर देंगे। अपन जो है थोड़ा जहा डिटेल दे विच है, तो हुण आपां की करना है, आपां अलग अलग कंसैप्ट पढ़ने हैं जिन्हां दे नाल एसिड्स ते बेसिस नूं डिफाइन किया जाता। सब तो पहला कंसैप्ट है जिहड़ा आरहीनियस कंसैप्ट, नैक्सट ब्रॉन्सटेड लोरी, थर्ड है लुइस कंसैप्ट, फिर है लैक्स फ्लड कंसैप्ट, पंजवा यूसनोविच कंसैप्ट, छेवा है सॉल्वेंट सिस्टम कंसैप्ट या फिर कैटी एलसे कंसैप्ट। जो सॉल्वेंट सिस्टम कंसैप्ट है जो चैप्टर पढ़िया नॉन एक्वल सॉल्वेंट वो थोड़ा जहा रिलेटेड है, तो आप वैसे भी एंड च ही पढ़ना है, कोई इदा वो नहीं है। सब तो पहले जो आरहीनियस कंसैप्ट है वो स्टार्ट करेंगे। आरहीनियस कंसैप्ट के विच की है, सब तो पहले तो एसिड्स, आरहीनियस कंसैप्ट कंसैप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स केड़े होंगे ने, एसिड्स आर द सबसटांसिस विच हैव हाइड्रोजन एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव एच पॉजिटिव आयंस। जिन्हों के कोल हाइड्रोजन होंगी है तो वाटर के डिजोल्व करने तो बाद एच पॉजिटिव आयंस ने जोड़े वो लूज कर देते हैं, यह जे जे सबसटांसिस हो सारे हो एसिड्स इन आरहीनियस कंसैप्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एच सी एल, एच सी एल अपन पता भी जो वाटर के डिजोल्व करते हैं एच पॉजिटिव तो सी एल नैगेटिव डिसोशिएट हो जाता है, एच पॉजिटिव दिता है एक्वा सोल्यूशन दे विच, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड फोर एच एन ओ थ्री। फिर एच टू एस ओ फोर ठीक है, तो इदा सबसटांस जो वाटर के जो आप डिजोल्व करते हैं उस टाइम एच पॉजिटिव आयन देंगे ने, उन्होंने आप कहने आरहीनियस एसिड्स। ठीक है, हम उस तो बाद आरहीनियस एसिड्स ने जोड़े वो अपन पता एच पॉजिटिव आन देते हैं, एच पॉजिटिव में आप कहना प्रोटोन, तो सारे के सारे एसिड्स ने जोड़े ये सारे के सारे इन्होंने आप कहेंगे प्रोटिक एसिड्स। प्रोटिक एसिड्स केड़े होंगे ने जोड़े गिव एच पॉजिटिव आयंस, जोड़े एच पॉजिटिव आयंस देंगे ने, यह जे सारे एसिड्स होने अपने को जो उन्होंने आप कहेंगे प्रोटिक एसिड्स। उस तो बाद प्रोटिक एसिड्स होंगे जोड़े मेनली दो तरह आप क्लासीफाई कर सकते हैं, जी पहली है वह है मोनोप्रोटिक एसिड्स जोड़े सिर्फ एक एच पॉजिटिव आ देंगे ने, उस तो बाद पॉलीप्रोटिक एसिड जोड़े मोर दैन वन एच पॉजिटिव आ देंगे ने, जोड़े वो कि होने अपने को पॉलीप्रोटिक एसिड्स।
फॉर एग्जाम्पल मोनोब्रोटिक एसिड जोड़ा एच सी एल सिर्फ एक ही एच पॉजिटिव आयन होता पॉलीब्रोटिक एच टू एस ओ फोर दो एच पॉजिटिव आयन होता ठीक है इदा जोड़े हो मोनोब्रोटिक पॉलीब्रोटिक एसिड हो उस तो बाद देखा होगा एक ये तुम्हें देखा होगा भी ये मछदा एरो पाया इतने इक्विलिब्रियम पाया इतने फिर एरो इतने फिर एरो पाया तो यह जो इक्विलिब्रियम का मतलब की है हम कई इदा एसिड्स होंगे जो वाटर के डिसॉल्व कर जाते कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं जिमें फॉर एग्जाम्पल एच सी एल आ जिन्हें एच सी एल मॉलीक्यूल हो सारे सारे एच पॉजिटिव सी एल नैगेटिव डिसोशिएट हो जाएंगे पर जोड़ा एसटिक एसिड है ठीक है जोड़े इदा के ने उन्होंने सारे के सारे मॉलीक्यूल्स ने जोड़े वो डिसोशिएट नहीं होंगे कुछ किस फॉर्म से रेंगे कुछ डिसोशिएटिक फॉर्म के रेंगे दोनों के इक्विलिब्रियम मेंटेन होंगे तो करके इतने इक्विलिब्रियम का साइन पाया तो इस बेसिस से एसिड्स में अगर फरदर दो क्लासेस के डिफाइड किया जाता पहली हैगी स्ट्रोंग एसिड्स दूसरा है वीक एसिड्स स्ट्रोंग एसिड्स केड़े होंगे ने कंप्लीटली आयनाइज हो जाते ने इन वाटर जोड़े होंगे ने स्ट्रोंग एसिड्स होंगे फॉर एग्जाम्पल एच सी एल एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर उपर किए ने आप ठीक है उस तो बाद वीक एसिड्स केड़े होंगे ने जोड़े इनकंप्लीट आयोनाइजेशन होंगी जिन्हें या फिर पार्शली आयोनाइजेशन होंगी है इन वाटर फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी ओ एच एंड एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड एक्सेट्रा ठीक है उस तो बाद अपने को आ जाते हैं बेसिस हाँ जी बेसिस की होंगे ने बेसिस ने जोड़े यहोजे कंपाउंड्स यहोजे सबसटांसिस जिन्हों के हाइड्रोक्साइड ग्रुप होवे सबसटांसिस हैविंग ओ एच ग्रुप एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर give OH negative ions ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓ ਐਚ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓ ਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਬੇਸਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਨ ਏ ਓ ਐਚ ਐਨ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓ ਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ अगला हो गया अपने को के ओ एच के पॉजिटिव ओ एच नैगेटिव होर की हो गया एन एच फोर ओ एच एन एच फोर पॉजिटिव ओ एच नैगेटिव होर ठीक है इदा के जिन्होंने पहले ओ एच ग्रुप हो गए तो जो वाटर डिसॉल्व करिए सारे के सारे ने जोड़े वो ओ एच नैगेटिव आयन है जोड़ा वो लूज कर दें ठीक है इदा के सारे जोड़े होने सबसटांस उन्होंने आप कहे आरहीनियस बेसिस उस तो बाद फिर अगे तुम देखा होगा इतने आर इतने इक्विलिब्रियम है तो इन्हों फिर आप उस तरीके क्लासीफाई कर सकते हैं स्ट्रोंग एंड वीक स्ट्रोंग बेसिस जोड़े कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं तो वीक बेसिस जोड़े इनकंप्लीट आयोनाइजेशन होंगी जिन्हें ठीक है तो उस तरीके जिमें स्ट्रोंग केड़े हो गए जिमें अपने को एन यू एच के ओ एच एक्सेट्रा ये हो गए अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
aluminium hydroxide etc. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਲਟ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਹ ਅਨਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਹ ਅਨਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਉਹ ਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ HCl ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ NaOH ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਸਿਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਐਚ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਅਨਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਚ ਟੂ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋ ਆਇਨਸ ਨੇਗੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਮਨ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਚ ਟੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਿਡਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੈਟਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਨ ਬਣਦਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਐਕੁਅਸ ਮੀਡੀਆ ਪਲੱਸ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਹੀਨੀਅਸ ਕੰਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਛੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਛੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਬਣਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਨੇ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਓਨਲੀ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਦੱਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਨੋਨ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮੋਨੀਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ SO2 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਕੋਹਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ
नेक्स्ट जो ये लिमिटेशन है वो है अपने को भी जिदा सीओ टू एसओ टू एसओ थ्री जो ये ने गे अपने को सबसटांस ये एसडिक होंगे एसडिक नेचर होंगे इन्हों का एंड कई होर ने जिमें एन एच थ्री हो गया एन ए टू सी ओ थ्री हो गया सी ए ओ हो गया ये सारे बेसिस होंगे ने ठीक है तो बेसिक करैक्टर होंगे इन्हों का बट आरहीनियस कंसैप्ट की कहना एसिड्स के विच एच एच होनी चाहिए है इतने तो हाइड्रोजन है ही नहीं कितने ना ही है बट जो डिजोल्व करते एच पॉजिटिव देने तो यह आरहीनियस कंसैप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स नहीं है इतने आके आरहीनियस कंसैप्ट फेल हो गया इस तरह ही इधर इन्हें ओ एच नैगेटिव है नहीं कितने तो यह वाटर के ओ एच नैगेटिव नहीं दे सकते तो यह बेसिक नहीं है आरहीनियस अकॉर्डिंगली बट एक्चुअली यह बेस होंगे ने यह एसिड होंगे ने तो इन्होंने दोवें थावान पर आके आरहीनियस कंसैप्ट जो फेल हो गया आगे थर्ड जो लिमिटेशन है यदि कई रिएक्शंस ने जिहड़ियां वाटर की एबसेंस के भी हो जाए ने जिमें एन एच थ्री एच सी एल हूँ अपन पता है बेस है ये एसिड है सॉलिड साल्ट बन जाता अमोनियम क्लोराइड सारे ने सुने ही होगा तो अमोनिया तो जो एच सी एल मिलते हैं दोनों गैस स्टेट के होंगे ने जो दोनों मिलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड है जोड़ा वो बन जाता अपने को तो यह रिएक्शन है जी वाटर की प्रेजेंस के नहीं होंगी वाटर की एबसेंस के होंगी क्योंकि दोनों गैसेस ने लिक्विड कोई भी नहीं हैगी तो बनता सॉलिड है तो वाटर की एबसेंस होंदिया ने पर यह है एसिड बेस रिएक्शन है तो इतने आके भी यह कंसैप्ट है जो जस्टिफाई नहीं होता क्योंकि कितने भी ओ एच नैगेटिव है नहीं इतने चौथा बी एफ थ्री ए एल सी एल थ्री एफ ई सी एल थ्री ये जड़े ने सारे एसिड्स ने एसिटिक नेचर शो करते हैं पर इन्होंने कितने भी एच पॉजिटिव है नहीं गा या एच पॉजिटिव लूज नहीं करते तो इतने आके फिर ये कंसैप्ट है जो फेल हो जाता तो लास्ट लिमिटेशन है यदि लास्ट लिमिटेशन वो की है ये सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में ही दसता है जिमें फॉर एग्जाम्पल अपने को आयनिक जोड़े होंगे ने जिमें आप कह लो भी सी ओ थ्री टू नैगेटिव ये बेस है ठीक है एच एस ओ फोर नैगेटिव ए एसिड भी है बेस भी है इन्होंने बारे ये कुछ नहीं दसता ठीक है इन्होंने बारे ये कुछ भी नहीं दसता कि एसिड ने या बेस ने ये आयनिक वास्ते नॉट फॉर आयनिक आयनिक जोड़े होंगे ने सबसटांस उन्होंने बारे कुछ भी नहीं दसता ये जो सीगा अपना सारा सीगा ये आरहीनियस कंसैप्ट ठीक है उस तो बाद नैक्सट जो कंसैप्ट है अपने को है ब्रोंस्टेड लोरी कंसैप्ट जी ब्रोंस्टेड-लोरी कंसैप्ट दे विच की है सब तो पहले ना इसकी डेफिनेशन है एसिड आर द कंपाउंड्स एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच लूज एच पॉजिटिव आयन द बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच गेन एच पॉजिटिव आयन ब्रोंस्टेड-लोरी कंसैप्ट है कि कहना भी एसिड जो हो एच पॉजिटिव लूज करेंगे तो जो बेसिस हो एच पॉजिटिव है जोड़ा वो गेन करेंगे ठीक है ये जो है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसैप्ट कहना जिमें फॉर एग्जाम्पल अपने को है एच सी एल ये अपन पता है एच पॉजिटिव तो सी एल नैगेटिव दूगा एच पॉजिटिव लूज किया तो यह की है एसिड ठीक है होर हो गया अपने को एच टू एस ओ फोर ये जोड़ा हो गया एच पॉजिटिव एच एस ओ फोर टू एच एस ओ फोर नैगेटिव ठीक है इन्हें एच पॉजिटिव लूज किया तो एक ही हो गया एसिड इदा ही एन एच थ्री प्लस एच पॉजिटिव एन एच फोर पॉजिटिव इन्हें एच पॉजिटिव गेन किया तो एक ही हो गया बेस ठीक है होर की हो गया ये जिमें वाटर हो गया एच पॉजिटिव इन्हें गेन किया तो वह की बन गया एच थ्री पॉजिटिव तो की हो गया अपने को बेस ठीक है तो ब्रोंस्टेड-लोरी कंसैप्ट की कहना जो एसिड्स ने एच पॉजिटिव गेन करेंगे सॉरी एच पॉजिटिव लूज करेंगे तो जो बेसिस ने एच पॉजिटिव है जोड़ा वो गेन करेंगे
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਪਲੱਸ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਐਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਐਨ ਐਚ ਫੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ ਆਹ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਨ ਐਚ ਫੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਐਨ ਐਚ ਫੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਨੇ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬ੍ਰੋਨਸਟੇਡ-ਲੋਰੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬ੍ਰੋਨਸਟੇਡ-ਲੋਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਂਪਲ ਵਾਟਰ ਹੈ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਐਨ ਐਚ ਫੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ ਓ ਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਐਸਿਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਬੇਸ ਹੈ ਆਹ ਬੇਸ ਹੈ ਆਹ ਐਸਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਗੇਨ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਸੀ ਐਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਸਿਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸਿਡ ਐਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸ ਐਕਟ ਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਐਚ ਸੀ ਓ ਥ੍ਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਐਚ ਟੂ ਸੀ ਓ ਥ੍ਰੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਐਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਬੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੀ ਓ ਥ੍ਰੀ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਸਿਡ ਇਹਨੇ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਸਿਡ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਥਰਡ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਚ ਐਸ ਓ ਫੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਰੋਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਚ ਟੂ ਓ ਪਲੱਸ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਐਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁਣ ਫੋਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਚ ਟੂ ਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸੀ ਐਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਤਾਂ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਸਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਜੂਗੇਟ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਐਸਿਡ
and conjugate base. Conjugate acids ki hun denenge AJ acids JD. Conjugate acid ki hun denenge. This is acid. Ek hi da conjugate acid hai. Ida ito bane hai. Thik hai. The conjugate acids are the acids formed by. कि में बनाया है तो H positive gain करके formed by gain of H positive ion by किने gain किता base ने conjugate acids किया acids formed by gain of H positive ion by a base ठीक है तो AG acids जिड़े कि में बन देने base तो बन देने base जो तो H positive gain कर लें तो acid बन जान देने AG acids में पकी कहांगे conjugate acid conjugate acid का था उस base था ठीक है तो यदि आप reaction की में लिख सकते हैं base plus H positive conjugate acid ठीक है और इतने conjugate base की हैं formed by loss of H positive ion by acid ता जिमें इत्थे पकी लिख सा दिया acid H positive plus conjugate base इन अलियां कई examples ने जिमें आपको पहले example लिख सा दिया HCl HCO3 negative ता इदे विच की होगा इवन जो Cl negative plus H2CO3 ठीक है पहला फ्रैक्शंस लिख लेने फिर दूसरी है NH3 H2O ये बन जुगी NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव नेक्स्ट है HNO3 प्लस H2O H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव नेक्स्ट है H2O plus CH3COO negative CH3C sorry COOH कर लो COO negative plus H3O positive ठीक है और दो reactions कर लेने दो तो से अपने आप कर लो तो जिन्हें पहले दो reactions ने दे बीच HCl Cl negative बन गया था ये थी किया है acid था कि बन जुए था conjugate base इतने आ किया बेस H positive accept कर रहे थे ताई की बन जुगा conjugate acid ठीक है तो इधर भी चाह बेस है हाँ acid है इधर ने H positive gain कर लिया ताई की बन गया conjugate acid आ की बन गया conjugate base आधा reaction तो सिर्फ अपने आप करके देख लियो और आगे की है अपने कोड़े जिमें अपन आही रिएक्शन लिख रहे हैं मान लो आप अमोनिया नहीं लिख रहे हैं अमोनिया तो HCl ही कर लेने हैं ये जो रिएक्शन है अपने को लेनी NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ठीक है और अपने को तभी यहां जड़ा है ये बेस है यहां जड़ा है ये एसिड है और जड़ा अपन बता भी जड़ा HCl है ये स्ट्रांग एसिड है ठीक है strong acid है यह easily H positive ion दे देंदा पर जेड़ा इधर conjugate base बनिया यह H positive की निश्चित ही accept करता यह देखना हो ठीक है तो आप अगर देना इन अधी comparison करना भी जेड़ा strong acid होता base strong होगा या weak होगा और Cl negative देखो Cl है का जेड़ा है electro negative है most electro negative है ठीक है फ्लोरीन ग्लोरीन ते ऑक्सीजन ते ने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंदे ने तो जदों ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ते ही अपने इलेक्ट्रॉन अपने कोले रखूगा किसे डोनेट नहीं करूगा तो डोनेट नहीं करूगा तो एच पॉजिटिव ने एक्सेप्ट नहीं करूगा है इजीली ठीक है तो ये की होगा वीक बेस ठीक है जिमें एक और एग्जांपल आ एग्जांपल देखो NH3+ वाटर ठीक है इधर विच की है NH4+ पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बने हुन अपन पता OH नेगेटिव है जेड़ा है स्ट्रांग बेस है ठीक है ये बनया कितों वाटर तो अपन पता वाटर जेड़ा वो न्यूट्रल होता है वो एसिड भी एक्ट कर सकता है बेस भी एक्ट कर सकता है तो स्ट्रांग बेस है ता वीक एसिड होगा
स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर अच पॉजिटिव तो नहीं है, ईजली लूज कर सकता, जो एसिड बेस की प्रेजेंस हो भी तो लूज करता है, अपने आप तो नहीं करता, तो यह वीक एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रोंग बेस है। इस तरह ही होर आप की कर सकते हैं, जिमें हाँ एच एच टू सी ओ थ्री आप पढ़िया है, वीक वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, तो यह बेस कि बेस कितों बनया है, इतों, तो यह जो बेस होगा यह कि होगा स्ट्रोंग, ये अपन देखिए इतने भी एच सी एल जोड़ा ये स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग इन्हें एच पॉजिटिव दिता, इन्हें नाल दी नाल ही गेन कर लिया, ठीक है, ईजीली गेन करके ये एच टू सी ओ थ्री है जोड़ा स्टेबल बना लेंदा, तो यह होगा स्ट्रोंग बेस। तो इतने की कंकलूजन निकलता भी जोड़े स्ट्रोंग एसिड्स ने हैव अ वीक कंजुगेट बेस, ठीक है, जोड़े वीक एसिड्स ने हैव अ स्ट्रोंग कंजुगेट बेस। इस तरह ही स्ट्रोंग बेस है जोड़ा वह वीक कंजुगेट एसिड होगा, तो जोड़ा वीक बेस है वह स्ट्रोंग कंजुगेट एसिड होगा, ठीक है। उस तो बाद यह सिर्फ इन्ना क Bronsted-Lowry कंसैप्ट, उस तो बाद इदियां हैगियां ने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज जिहड़ी पहली की पहली है वो की है भी पहले दी लिमिटेशन की सीगी भी हो अमोनिया हो गया जिवें या सी ओ थ्री टू नैगेटिव हो गया, इन्हां दे विच वैसे नैगेटिव आयन नहीं हुंदा तां इह बेसिस ने, पर वैसे वो कंसैप्ट इन्हां नूं एक्सप्लेन नहीं करता, ये कंसैप्ट है जिहड़ा इन्हां नूं एक्सप्लेन करता भी जिहड़ा सी ओ थ्री टू नैगेटिव है वो एच पॉजिटिव एक्सैप्ट करेगा, एन एच थ्री है जोड़ा वो भी एच पॉजिटिव एक्सैप्ट करेगा, जो एच पॉजिटिव एक्सैप्ट करते हैं तो यह की हो गए बेसिस, इस चीज़ में इन्हें एक्सप्लेन करता। दूसरा कवर जाइनिक स्पीसीज, आप लिमिटेशन बड़ी सी सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बारे ही दसदा, आयनिक बारे नहीं दसदा, तो आयनिक बारे भी दसता है, तो यदि यह भी एडवांटेज होगी। थर्ड जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, वो सिर्फ वाटर के दसदा सी, कोई मर्जी सॉल्वेंट हो, अमोनिया हो, चाहे ठीक है चाहे वाटर हो, चाहे एसिडिक एसिड हो, किसी भी सॉल्वेंट दे विच हो, कोई भी सॉल्वेंट हो दसूगा भी हाँ एसिड है या बेस, तो भी यदि जी है एडवांटेज होगी। उस तो बाद है लिमिटेशंस की हैं, ये जी पहली लिमिटेशन है वो सेम ही है वो वाली हुई, सी ओ टू एस ओ टू एस ओ थ्री ये जोड़े होंगे ने एसिड्स होंगे ने, इन्हें भी नहीं दसिया भी एसिड्स किमें ने, उस तरह ही सी ए ओ बी ए ओ एम जी ओ जोड़े ये ने सारे ये की ने अपने को बेसिस ने, इन्हों का भी नहीं दसिया, डिफरेंस हो गया वो की डिफरेंस होया जोड़ा एन एच थ्री सी, ठीक है कार्बोनेट सी, उन्हें दोनों इन्हें दसता भी बेसिस ने उत्थे आ भी सके इस कैटेगरी के, ठीक है। अगला रिएक्शंस इन एबसेंस ऑफ सॉल्वेंट, ये जो कंसैप्ट है इन्हें दसिया ये आए कहना भी कोई भी सॉल्वेंट हो जिहड़ा असीं एसिड बेस दस देंगे भी ये एसिड है या बेस है, पर जो सॉल्वेंट हो ही ना फिर जो सॉल्वेंट ही ना होया पहला वो गैस स्टेट के जी रिएक्शन हुई फिर जिमें फॉर एग्जाम्पल अपने को रिएक्शन है सी ए ओ प्लस एस ओ थ्री अपन बता एसिड है आ बेस है, ठीक है सी एस ओ फोर साल्ट बना दिता कैल्शियम सल्फेट, ये रिएक्शन बारे नहीं इन्हें दसिया आ भी, ठीक है दोनों गैसेस ने, ठीक है सॉरी आ सॉलिड होंदा गैस होंगी है सॉलिड बन जाता, ठीक है तो इस इतने सॉल्वेंट कोई भी नहीं यूज होया, तो इस रिएक्शन बारे भी नहीं इन्हें दसिया, ठीक है। थर्ड जोड़ा है बी एफ थ्री ए एल सी एल थ्री एफ पी सी एल थ्री एक्सेट्रा, ये भी पुरानी हुई हैं भी इन जोड़े ने सारे एसिड्स होंगे ने, इन्हें इन्हें भी नहीं दसिया भी हाँ ये एसिड्स किमें ने, ये जोड़िया है इन्हों सारिया कि ने लिमिटेशंस। तो जो आप दो कंसैप्ट किए पहला जोड़ा किया Arrhenius एसिड्स की सके जोड़े अच पॉजिटिव डोनेट करते हैं वाटर के बच्चे, तो बेसिस की सके जोड़े नैगेटिव डोनेट करते वाटर के, दूसरा जोड़ा कंसैप्ट किया आप
ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੋਨਸਟੇਡ-ਲੋਰੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੈਪਟ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੰਜੂਗੇਟ ਐਸਿਡ ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਵੀਕ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਬੇਸ ਬਣਾਊਗਾ, ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਬਣਾਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿਸ। ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਵੀਕ ਬੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਬਣੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ। ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।